भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियं मिनिङ्ग् भगवन्तं द सुप्रीं पर्सनेटिव् परिक्रम्य आफ्टर् सर्कमेम्बिलिटिङ्ग् प्रणिपत्य

Translation in purport, The sages circumambulated the Supreme Lord, offered their obeisances and returned. Extremely delighted at learning of the divine opulences of the Vaishnava. Purport, It is still a respectful practice to circumambulate the Lord in Hindu temples. Especially in Vaishnava temples, there is an arrangement for people to offer their respects to the Deity and circumambulate the temple at least three times. We'll take the next verse also. So, we'll take two verses. Bhagavananugavaha yatam abhashitam astusham. Brahmateja smarathopi hantum neche matam tume. The Lord then said to his attendants Jay and Vijay, Depart this place but fear not. all glories unto you though i am capable of nullifying the brahmanas' curse, i would not do so. on the contrary, it has my approval. as I explained in connection with the verse 26, all the incidents that took place had the approval of the lord. ordinarily there is no possibility that the four sages could be so angry with the doorkeepers, nor could the supreme lord neglect his door, two doorkeepers nor can one come back from Vaikuntha after one's taking birth there. All these incidents, therefore, are designed by the Lord Himself for the sake of His pastimes in the material world. Thus, He plainly says that it was done with His approval. Otherwise, it would have been impossible for inhabitants of Vaikuntha to come back to this material world simply because of a brahmanical curse. द लॉड एस्पेशली ब्लसेज दो कॉलड कल प्रेट्स ऑल गोरीज यू ड्यू टी वन एक्सेप्टेड बाई द लॉड कैन नेवर फॉलडो ऑन दट इज दलूजन ऑफ दिस इन्सीडेंट्ड ओम ज्ञानतिमरंध से ज्ञाजनशलाक चक्षुरोन्मली ये नस्मे श्रीगुवे नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थित ये नूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातीपदा वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणारघुनाथान्वितं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलललललललललललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपरिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात् देशतारिणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरतिसे नमः हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्तनमोऽस्तुति तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रियं वाञ्चा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय चैतन्य श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गौर अद्वैतगदाधारषिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लंगयते गृहं यत्र वातमहं वा तमहं वन्दे श्रीगुरोदीनतारणं हरे टुडे टू डिस्कस

वैष्णव अपराध हो गया था तो उसको सुलझाने के लिए भगवान खुद उधर आए तो भगवान ने दोनों से अच्छे से बात की मीठी मीठी बातें की और चतुष कुमार और जय विजय को उन्होंने शांत किया और ये सब चर्चा होने के बाद चतुष कुमार अभी वापस जा रहे हैं वापस जाने से पहले वो प्रदक्षिणा करते हैं भगवान की भगवंत परिक्रम्य प्रणिपत्या अनुमान्य जय श्री श्री जगन्नाथ बलेसवरमैया की राय श्री कवनिता की राय श्री लक्ष्मण सिंह देव की शिल प्रपात की राय भगवंत परिक्रम्य परिक्रमा करते हैं परिक्रमा क्यों करते हैं क्योंकि अगर हम किसी को रेस्पेक्ट देते हैं आदर देते हैं तो उस वस्तु का हम परिक्रमा करते हैं जब भगवान सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, पूरा सृष्टि में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो उनको भी परिक्रमा करते हैं जैसे लोग यज्ञ कुंड को परिक्रमा करते हैं शादी के टाइम या यज्ञ के टाइम पूजा के टाइम वैसे भगवान का भी परिक्रमा होता है और परिक्रमा क्लॉकवाइज होता है वो जो इष्ट देव हैं जो व्यक्ति है उसको बाएं तरफ रख के ऐसे परिक्रमा किया जाता है सो भगवंतम परिक्रम्य ऐसे बोला गया है कि जो भगवान को परिक्रमा करेगा उसको ये संसार चक्र का जो परिक्रमा है वो करना नहीं पड़ेगा ये संसार चक्र क्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है जन्म मृत्यु का चक्र उसे संचार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीत हम कहाँ पड़े हुए हैं अभी संसार चक्र में फंसे हुए हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमको भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए तो इसलिए हर मंदिर में प्रभा लिखते हैं कि हर मंदिर में परिक्रमा करने के लिए व्यवस्था होती है राइट हमारे नए मंदिर में भी परिक्रमा के लिए परिक्रमा मार्ग रहेगा जैसे मायापुर में होता है वृंदावन में होता है गोपाल के मेले के परिक्रमा के लिए जाते हैं सुबह सुबह तो वैसे ही यहाँ पे भी वो फैसिलिटी होगा जैसे so भगवान को परिक्रमा किया उन्होंने और प्रणिपत्य उन्होंने नमस्कार किया प्रणिपात निपात मंस किसी के सामने झुक जाना प्रणिपात मंस पूरी तरह से झुक जाना ऐसे थर्ड प्रणिपात प्रकृष्ट रूपेण निपात थर्ड दंडवत वैसे तो किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसे नहीं कर सकते जो भगवान है या भगवान के भक्त हैं उनके पास साथ प्रणिपात गीता में भी आता है शब्द कहाँ आता है तद्विधि प्रणिपात गुरु को भी प्रणिपात भगवान को भी प्रणिपात यत कृष्णा प्रणिपात धूली धवला तदवर्ष्म तद्वी शिवस कुलशेखर महाराज बोलते हैं राइट right. सो so, जो सर भगवान के सामने झुकता है वो है श्रेष्ठ यत कृष्णा प्रणिपात धूली धवला भगवान के सामने झुकने के बाद सर को क्या लग जाता है धूल लग जाता है जो भगवान को चरण का जो धूल या भक्तों के चरणों का जो धूल लग जाता है वो सर श्रेष्ठ है तदवर्ष्म तदय शिश ते नेत्रे तमसोज्जित सुरजिरे याभ्याम दृश्यते और वो जो आँखें जो भगवान का दर्शन करते हैं वो श्रेष्ठ है राइट तमस उज्जित मतलब वो उसमें कोई तमस या इग्नोरेंस अविद्या नहीं है वो वो क्या है वो ज्ञान से प्रकाशमय है वैसे आँखें ते नेत्रे तमसुजिते सुरुचिरे दृश्यते हरेर्दृश्यते सबुद्धि विमलेन्दु धवला या माधवध्यायिनी और जो बुद्धि भगवान के ध्यान करता है भगवान के रूप गुण लीलाओं का ध्यान करता है वो विमल इंदु धवला जैसे चांद चमकता है रात को पूर्णिमा का रात को वैसे उसका बुद्धि भी ग्लो होता है चमकता है जैसे शंख चमकता है वैसे ही बुद्धि भी चमकता है वो धूली धवला सॉरी या माधवाध्याय शंख धवला वैसे प्योर होता है सजीवामृतवर्षिणी प्रतिपदम या नारायणम ओ जीवा जो हमेशा नारायण का नाम लेता है कृष्ण का नाम लेता है वो भी शुद्ध है वो अमृत धारा जो हमेशा कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं उनके मुंह से अमृत निकलता है सजीवामृत वर्षिणी जैसे बादल वर्षा करते हैं पानी का वैसे ही जो हमेशा भगवान के नाम लेते हैं उनके मुंह से अमृत वर्षा होती है अमृत वर्षा क्या है कृष्ण कथा तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं बोलने के लिए सो so, यहाँ पे बोल रहे हैं प्रणिपत्य जो भगवान के सामने झुक जाना और अनुमान्य अनुमति लेते हैं जैसे अगर हम किसी आ, सीनियर ड्यूटी के साथ बात कर रहे हैं तो जाने से पहले अनुमति लेके जाना चाहिए ऐसा नहीं कि फट से निकल गया वहाँ से अनुमान्य प्रू जी हम अभी चल सकते हैं ऐसे अनुमति लेके जाना चाहिए ऐसे डी टी में भी जब सेवा के लिए जाते हैं तो अनुमति लेके अंदर जाते हैं वापस आने से पहले अनुमति लेके वापस आते हैं ऐसे नहीं कि गायब हो गया सडनली <laughs> भगवान सोचते हैं अरे इतना समय सेवा कर रहा था खा गया सडनली <laughs> तो अनुमति लेके दंडवत करके फिर वापस आते हैं है ना ये फॉलो करते हैं हम पूजा के समय भी है ना भगवंतम परिक्रम्य परिक्रम परिक्रमा तो नहीं करते मगर तो प्रणिपत्य अनुमान्य प्रति जगम्मुह प्रमुदिता राइट रिटर्न दे केम बैक वापस आ गए शमसंतो तो वैष्णवीम श्रियम और भगवान के गुणगान करते करते वो वापस चले गए राइट सब भगवान के साथ भी जब रहते हैं तो भगवान को प्रशंसा करते हैं और बाद में भी प्रचार करते हैं राइट right? शमसंतो तो वैष्णवीम श्रियम क्या प्रशंसा करते हैं शमशन तो मतलब प्रश, प्रशंसा करना भगवान की श्रेय हेड वैष्णवीम श्रेय भगवान की और भक्तों की वैष्णवों की जो महानता है ग्लोरी है उसको प्रशंसा करते हुए वो चल चले गए तो इधर चतुष्कुमार चले गए तो भगवान किसके साथ है अभी डेव विजय के साथ है। कि विजय तो उनके द्वारपाल हैं तो जय विजय तरफ मुड़ते हैं और जय विजय को बोलते हैं तुम भी चले जाओ क्यों क्योंकि शाप मिला है अगर भक्त वेट कर रहे हैं स्वामी जी थोड़ा कृपा कीजिए <laughs> प्लीज़ हमको मंदिर से बाहर मत ठीक हमको मंदिर में थोड़ा कहीं पे भी एक कोने में भी रहने के लिए जगह दीजिए हम थोड़ा तीन फुट जगह बस काफ़ी है थ्री सिक्स उधर सो जाएंगे उधर बाकी सब सेवा करेंगे एंड भगवान बोलते हैं नहीं आपको शाप मिला है आपको मंदिर से बाहर जाना पड़ेगा तो ऐसे बोलते हैं भगवान अनुगाव आ भगवान ने उनके अनुगाव उनके अनुग अनुगा मतलब ग मतलब गमन अनुगा मतलब पीटे पीटे जाना अनुगमनम तो भगवान को जो फॉलो करते थे वो अनु अनुगा मतलब ये जय विजय सब भगवान अनुगा आ भगवान बोलते हैं यातम माँ यातम यातम मतलब गो चले जाओ यहाँ से कहाँ पे पृथ्वी में आपको तीन जन्म पृथ्वी में जन्म लेके फिर वापस आना है माँ भइष्टम डरो मत क्यों अस्तुषम सब आपको लेट देर बी गुड फॉर्चून एंड टू यू ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि आपको uh, शम मतलब uh, सब ऑल ऑस्पिशियसनेस मंगलमय हो आपके लिए ऐसे बोलते हैं चित्रो दो तमो अनुधो गौरताए में अवतार लिए शम दो सबको मंगल uh, आशीर्वाद देने के लिए प्रेम भक्ति देने के लिए तो या तुम जाओ चले जाओ यहाँ से और डरो मत क्यों आप तुरंत आ जाएंगे तीन जन्मों के बाद आप फिर वापस आएंगे ब्रह्म तेज स्मरत हो पी नहीं इच्छे मतम तुम्हें मैं ये जो शाप है ब्रह्म तेज है उसका मैं हंतुम उसको काट सकता हूँ मगर मैं नहीं करूँगा राइट हम तुम नहीं अच्छे मैं इच्छा नहीं करता कि उसको क्योंकि वो भी मेरे भक्त हैं तो मेरे भक्तों के वाक्य मैं कैसे झूठा बना सकता हूँ भगवान हमेशा अपने भक्तों के वाक्यों को रखते हैं राइट भगवान नरसिंह रूप कैसे क्यों प्रकट हुए प्रहलाद ने वचन दिया था न मृगम न मानुषम राइट ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए प्रहलाद महाराज श्लोक बोलते हैं निज भृत्य भाषितम अपने भृत्य भक्त के वाक्य की रक्षा करने के लिए वो प्रकट हो गए ओके यहाँ पे भक्त कौन है तीन लोग पहला भक्त है ब्रह्मा जी दूसरा भक्त है हिरण्य तीसरा भक्त है प्रहलाद महाराज तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि, कि हिरण्य कशपुर मरेगा नहीं कोई भी व्यक्ति से या जानवर से या कोई किसी से भी मरेगा नहीं कहीं भी, भी नहीं मरेगा तो उनका वाक्य निरभृत्य भाषितम उनके वाक्य की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए और प्रहलाद ने बोला था कि पिलर में भगवान है तो उनका भी वाक्य का मान करना चाहिए तो उन्होंने उधर प्रकट हो गए और तीसरा हिरण के उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि लगता है ये बच्चा मेरा काल बनेगा का, बच्चे के कारण मैं मर जाऊंगा तो उसका वाक्य भी सच करने के लिए प्रकट हो गया भागवतनाता है श्लोक तो ऐसे तीन लोगों के वाक्य सच करने के लिए आए नारद अच्छा, भी। so, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके वाक्यों की रक्षा करने के लिए भी आते हैं तो भगवान उसको कभी झूठा नहीं बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ब्राह्मण तीन चार ब्राह्मणों ने शाप दिया है तो उसको भी मान करना चाहिए तो भगवान बोलते हैं तुम चले जाओ राइट तो इसे हम ये सोच सकते हैं कि ये भगवान की लीला है हमको कुछ सिखाने के लिए और खुद के लीला प्रदर्शन करने के लिए भगवान वैकुंठ से आ जाएंगे तीन अवतार इन्होंने लिया तीन जन्म इन्होंने लिया तीनों जन्म में भगवान आए उनके साथ लीला करने के लिए तीसरे बोलते डरो मत महाभर आऊंगा हिरण्यक्ष के साथ उन्होंने वराह दे देव और नरसिंहदेव के रूप में लीला की जब रावण कुंभकर्ण के रूप में आए और उसी समय रवान रामचंद्र के रूप में भगवान आए राम लक्ष्मण के दोनों आए और जब शिशुपाल और दंतवक के रूप में तीसरे अवतार तीसरा जन्म लिया तो कृष्ण वाला राम साक्षाता है तो भगवान के साथ लीला करने के लिए तो ये भगवान का ही प्लान है कि मैं उनको भेजूँगा फिर मैं आऊँगा और लीला करूँगा और क्या करूँगा लीला व्यूरियरस फाइटिंग क्योंकि जैसे स्वयं प्रूफ कल समझा रहे थे कि कोई राजा अगर कुश्ती करना चाहता है तो उसके जो श्रेष्ठ कुश्तीकार हैं उनको बुलाता है और उनके साथ कुश्ती करता है राइट right? और जो कुश्ती करने वाले भी सच में कुश्ती करते हैं ऐसे नहीं कि राजा है तो थोड़ा धीरे से मारेंगे नहीं सच में करते पूरा जोर के साथ करते हैं तो राजा को आनंद मिलेगा हाँ बहुत अच्छा कुश्ती किया राइट कोई छोटे मोटे आदमी के साथ कुश्ती नहीं करते तो इसीलिए भगवान भी लड़ना चाहते हैं तो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भेजते तुम चले जाओ आपसे लड़ूंगा भगवान का सिक्योरिटी गार्ड मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर को रहता है जेट सिक्योरिटी right. तो पूरा टॉप मोस्ट जो टॉप जो कॉप रहता है कॉप्स पुलिस, उनको उनके साथ रहते पूरा उनको पता है कैसे कुश्ती करना है कोई कैसे कैसे दुश्मनों को पहचानना है उनको बहुत इंटेलिजेंस रहता है तो उस लोगों के साथ ऐसे भगवान वैसे टॉप लोगों के साथ युद्ध करना चाहते थे इसलिए उनको भेजे तो भगवान प्रभा जी लिखते हैं कि ये भगवान की राइट right. क्योंकि ऐसे ही साधारण कारण से कोई वैकुंठ से नहीं आ सकता राइट right. इधर उसने स्वेच्छा से भगवान का अनादर करके या उनकी वचनों को टाल के तो स्वेच्छा का दुरुपयोग करके यहाँ पे आ सकता है नहीं तो भगवान की इच्छा से ही आ सकता है राइट right? और एक बार कोई वापस जाएगा वैकुंठ धाम तो फिर आना नहीं चाहेगा यद गत्वा न निवर्तनते तद धाम परमा तो ये भगवान की इच्छा है और और एक रोमांचक चीज़ हमने पढ़ा श्री लविष्णुचिक ठाकुर बोलते हैं तो इस श्लोक में यातम माँ भइष्टम गो डू नॉट फियर जाओ डरो मत ऐसे भगवान ने बोले और चक्र ठाकुर ग्रामर का थोड़ा ये करते हैं व्याकरण को तो बोलते हैं कि यातम मां जाओ मत और <laughs> ऐसे बोलते हैं सो so, यातम मां माँ भइष्टम डरो मत जाओ मत कि भगवान कैसे उनको भेज सकते हैं इस धरती पे तो ये अलग मीनिंग वो समझाते हैं तुम जाओ मत इधर ही रहो मगर दूसरे रूप में उधर जाओ अपने आप को विस्तार विस्तारित करके एक एक्सपेंशन के रूप में आप उधर चले जाओ ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जय उधर ही थे और उनका जो एक्सपेंशन थे वो यहां पे आए जी उप रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल धंतोक के रूप में और विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी उसको प्रमाणित भी करते हैं उसका प्रमाण भी देते हैं उसका प्रमाण यह है डू नॉट फियर मे यू हैव गुड फॉर्चुन जाओ मत आपके ऊपर मंगलकारी हो डू नॉट गो देर जाओ मत इधर ही रहो वैकुंठ में और सेवा करो ये अलग मीनिंग है तो इसका प्रमाण कहाँ देते हैं वो कोट करते हैं आठवें स्कंद से जो बलि महाराज और इंद्र और देवताओं के बीच में जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध में कौन कौन युद्ध कर रहा था लड़ाई कर रहा था उनका नाम दिया गया ठीक है नंद सुनंद अत जय विजय प्रबलो बलह राइट कुमद कुमदाक्ष च विश्वक्सेना पदत्रित्रात ऐसे बहुत लोगों के जयंत श्रुद्धदेवा पुष्पदंतो ऐसे बहुत लोगों का नाम दिया गया है तो उसमें कृष्णा और पॉइंट आउट करते हैं कि जय विजय भी है यहाँ पे। ठीक है तो ये हो रहा है आठवें स्कंद में ये लीला सातवें स्कंद में लीला हुआ नरसिंहदेव हिरण्य का हिरण्याक्ष का राइट और प्रभु रामचंद्र जी का लीला बाद में आता है ठीक है रावण और कुंभकर्ण बाद में आते हैं तो हिरण्य के जीवन के बाद हिरण्य कश्यप का बेटा कौन प्रहलाद प्रहलाद का बेटा कौन विरोचन का बेटा बली महाराज ठीक है बली महाराज से पहले कौन आए हिरण्य आए थे तो जय विजय तो उसके बाद रामचंद्र जी की लीला बहुत समय के बाद हुआ तो आ, तो शिभु और सो तो, जो जय विजय तो धरती पे आया तो धरती पे ही रहना है तो इधर है थे कहीं पे तो इधर जय विजय कैसे लड़ाई कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उठाते हैं विष्णुचंद्र ठाकुर जी तो समझाते हैं कि जो जय विजय उधर भी है और इधर भी है राइट तो इसे हम समझ सकते हैं कि सो इन द नरेशन ऑफ वामन एंड बली जय विजय मेन्शन एमोंग द एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड फाइटिंग बट आफ्टर बीइंग बोर्न एज दे वुड बी लेटर बोर्न एज एंड कुंभकर्ण द एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर एक्सपेंशर मस्ट बी गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर एक्सपेंशन मस्ट बी गिवन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ साइमल्टेनियसली इन द फॉर्म ऑफ डिवंस एंड दसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड सो द कॉन्ट्रडिक्शन इज रिजॉल्व बाई दिस कि वो एक्सपेंशन विस्तरित होकर वो आए थे इस दुनिया में और उदाहरण देते कि जब गरुड़ जी एक बार इंद्र से लड़ाई कर रहे थे राइट शायद ये जब अमृत कलश छीनने के लिए गए थे क्योंकि गरुड़ जी का जो माता है विनता तो वो कद्दुर की दासी बन गई थी जो सर्पों की माँ है तो दोनों के बीच में दोनों कश्यप के ही पत्नियाँ हैं पत्नियों के बीच में लड़ाई होते रहता है तो एक बार दोनों के बीच में लड़ाई हो गया और वो ये दासी बन गई तो दासत से मुक्ति करने के लिए कद्र बोलते हैं कि अगर अमृत लेके आएंगे तो मैं आपके माँ को मुक्त कर दूंगा मेरी दासी के रूप से तो उसके लिए गरुड़ जी गए अमृत कलश छीलने के लिए दैट वॉज मिशन इम्पॉसिबल इतना था इतना भयंकर ख कठिन वो था काम इतना टॉप सिक्योरिटी में रखा था उस अमृत को ऐसे तो भयानक राक्षस थे उसको गार्ड करने के लिए और और टेक्नोलॉजी भी था ऐसे घूमने वाले स्वर्ड्स चाकू वगैरह थे बहुत कुछ थे महाभारत में आता है डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते इतना भयंकर गरुड़ जी ने भयंकर युद्ध किया और उसको छीन के आए तो शायद उसी समय मुझे पता नहीं मगर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और वज्र का प्रहार को आदर करने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक जो विंग था उनका जो पंख था एक विस्तृत करके उसको जला के नया डाल दिया <laughs> right. तो ऐसे ही जय विजय ने विस्तृत हुए और धरती पे आए और एक रूप में उधर थे एक रूप में इधर भी थे सिर्फ चतुष्कुमार की जो शाप है उसका मान रखने के लिए ऐसे विस्तारित हुए तो ऐसी है यहाँ पे दी गई है राइट right? तो ये है ये दोष लोगों का अर्थ तो ऐसे भागवतम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोमांचकारी है और, और बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आते वो आचार्य के टीकाओं के द्वारा समझ में आ सकता है तो इसलिए हमको भागवतम हर दिन सुनना चाहिए और स्पेशली आचार्य जो लिखते हैं प्रूपा जी और, और पूर्वाचार्य उनसे भी समझना चाहिए तब हमको भगवान का तत्व और भगवान का जो करुणा है वो समझ में आएगा कि भगवान किसी को जाते चा, चाहते नहीं कि मंदिर से बाहर चले जाए या या, या वैकुंठ से बाहर चले जाए नहीं वो हमेशा भक्तों को अपने साथ रखना चाहते हैं अगर कोई वैकुंठ से बाहर चला भी जाता है अपनी स्व से तो भगवान उसके साथ जाते हैं उसको वापस लाने के लिए परमात्मा के रूप में कभी छोड़ेंगे नहीं जितना जितना भी बुरी काम करे कितना भी वो गिर जाए फिर भी उसको बचाने के लिए भगवान जाते हैं या नहीं तो उनके भक्तों को जाते तुम जाओ उसको लेके आओ राइट ये भक्तों की और भगवान की करुणा है एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक नया मंदिर ओपनिंग के लिए गए थे तो उनका जब गुरु जी आए तो अच्छा रिसेप्शन हुआ और मंदिर के उद्घाटन के लिए कार्यक्रम व्यवस्था चल रहा था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पूछा वो भक्त कहाँ है एक भक्त नहीं दिख रहा है वो कहाँ है तो भक्त लोग बोले गुरु जी वो चले गए मंदिर छोड़ के चले गए क्यों चले गए कहाँ है वो मंदिर नहीं खुलेगा पहले वो भक्तों के दौरान है बाद में ही मंदिर खुलेगा सब प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया जाओ ढूंढो अभी उसको ढूंढ के ले के आओ कैसे जा सकते हैं कुछ तो हुआ है तो भक्त लोग ने इतना सारा व्यवस्था किया था इन्विटेशन छाप दिया था और पंडाल वगैरह बना दिया था और कुकिंग चल रहा था सब ने कैंसिल कर दिया क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्ती बोले एक एक भक्त जो है बहुत अमूल्य है क्योंकि एक एक भक्त बनाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कि गैलन्स ऑफ ब्लड एक पूरा बैरल भर के जो खून है वो बहाना पड़ता है उतना खून लगता है कितना जान लगता है एक एक भक्त को बनाने के लिए और कोई छोड़ देता है भक्ति तो बहुत दुख लगता है गुरु को स्पेशली क्योंकि उनमें बहुत करुणा होता है राइट right? तो इसलिए तो जब भक्तों ने ढूंढना शुरू किया वो कहाँ हो सकता है कहाँ हो सकता है तो एक ड्यूटी ने बोला कि उसको वॉच रिपेयर करना आता था, था तो जीने के लिए कुछ तो काम करना है शायद वॉच रिपेयर शॉप में होगा तो सारे दुकानों में ढूँढे 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 फिर मिल गया एक दुकान में तो प्रभु जी महाराज बोला रहे आइए उनको आपके बिना मंदिर का इनोग्रेशन रुक गया आप आ जाए <laughs> तो उनको लेके आए फिर मंदिर उद्घाटन हो गया तो एक एक वक्त इतना कीमती है right? कभी कभी हम भक्तों के साथ ही रहते हैं हमेशा दिन भर भक्तों के साथ खाते हैं भक्तों के साथ नाचते हैं भक्तों के साथ सोते हैं भक्तों के साथ सब कुछ करते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता हैं अतिपरिचयात् अवज्ञात मलय से भिल्ल पुरंदरी चंदन तरकाष्टम ईंधन हम करोती ऐसे नीतिशास्त्र में बोला गया है कि एक मलय पर्वत है जहाँ पे चंदन उगता है ये तो वेस्टर्न गार्ड्स है ना पूरा चंदन का गुड़ी बोलते हैं इसको पूरा चंदन उगता है वेस्टर्न गार्ड्स में तो एक लड़की थी एक औरत थी उस जंगल में तो उसको खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए था तो क्या किया एक चंदन का पेट काट दिया और लगा दिया चंदन तरु का अष्टम ईंधन हम कुरते अरे एक, एक चंदन का कितना होता है एक इतना पीस एक लाख रुपए में बांटता मतलब बिकता है छोटा सा पीस और उसको क्या किया जला रही है इतने सारे पेड़ है अरे इतने सारे पेड़ ही है बाकी जगह नहीं है <laughs> वो तो वो पता नहीं उसको <laughs> पेड़ उधर ही है बाकी जगह बाकी जगह जगह नहीं आता है वो तो काटो मत बहुत अमूल्य है ये तो, तो भक्त लोग भी हम भक्तों के साथ ही रहते हैं तो, भक, तो कभी कभी क्या है? कुछ तो बोल देते हैं कुछ तो ऐसे कहा जाते थे कि उसको दुख लग जाता है है ना तो अपराध हो जाते हैं तो हम सोचते इतने सारे वक्त है नहीं इतने सारे ही है कई और नहीं कई और नहीं मिलेंगे आर हियर ओनली नो वेर एल्स कैन यू फाइंड यूटे समेर इन दिस समेर हियर एंड देर बट मैनी आर देर हियर इधर ही है कई और नहीं मिलेंगे तो इसलिए अति परिचय अवज्ञात अरे दिन रात भक्तों को देखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा अवज्ञात तो उनके अवगुण दिखने लगते हैं इतना अच्छा ड्यूटी है फिर भी एक दोष दिखता है अरे ठीक ठीक से बैठता नहीं है इतना सर अच्छा सेंडिंग करे सब मतलब ठीक से बैठ नहीं सकता क्या देखो कैसे खाता है। <laughs> <laughs> तो, तो, तो ए, एक क्या है अति परिचय ज़्यादा जा, परिचय हो जाता है ना नए आदमी के साथ ऐसे नहीं दिखता है मगर जो अति परिचय है तभी ऐसे दिखना लगता है मैं मन ऐसा है मन को क्या है थोड़ा कुछ मसाला चाहिए देखने के लिए कुछ करने के लिए तो वो ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए प्रैक्टिस करना चाहिए कि उनके सदगुण जो है उसको देखें और दुर्गुण को उसको आँख बंद कर दें या अगर कुछ चीज़ है जो अन्य लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको सीनियर ड्यूटी से बात करके उसको सुलझा सकते हैं राइट प्रॉब्लम है तो उसको सुलझा सकते हैं ऐसा नहीं कि उसको नेग्लेक्ट करना है मगर जितना हो सके हमको उन दूसरों के सदगुण देखना चाहिए तब हम भक्तों के बीच में अच्छे से रह सकते हैं राइट ये यहाँ पे हम ये सीख सकते हैं श्रीमद भागवत से और इस लीला से कि अपराध नहीं करना चाहिए और एक और अपराध नहीं करना चाहिए दूसरी ओर भगवान की करुणा के ऊपर भी हमको ध्यान करना चाहिए कि अपराध इतना अपराध कर रहे हैं फिर भी अब भगवान हमको इधर रख रहे हैं है ना तो उनकी कृपा को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और अच्छे से हमको सेवा करने का जो मनोभाव है उसको आ, प्रैक्टिस करना चाहिए हरे hmm? कृष्णा <coughs>